जय भोले की, जय भोले की, जय भोले, जय बम बम भोले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कावड़ यात्रा 2022 को लेकर कि 2022 कावड़ यात्रा कैसी रहेगी, क्या इसमें सुविधाएं आने हैं इस बार और क्या असुविधाएं होने की संभावना है, क्या इसकी कंडीशन रहेगी, क्या तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की कंडीशन है और क्या यूपी गवर्नमेंट की कंडीशन है इस बार कावड़ यात्रा पर लेकर के। कावड़ यात्रा पर कौन सी कावड़ इस बार नहीं जाएगी, क्या डीजे बजेगा या नहीं बजेगा, बजेगा तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, कितने डीजे आप बजा सकते हैं, कितने स्पीकर आप उस पर लगा सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारी, आपका कावड़ यात्रा में कितना खर्चा आने वाला, आप कावड़ यात्रा के लिए कैसे पहुंचे और कौन सा रूट रहेगा इस बार कावड़ यात्रा का, और कावड़ यात्रा क्यों आती है, कावड़ यात्रा पर कितना खर्चा आएगा, कावड़ यात्रा को लेकर आज मैं पूरी संपूर्ण जानकारी देने की अपनी इस वीडियो में कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना आप, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे नई आने वाली वीडियो की जानकारी उन तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। बाइक पर जैसे तैसे करके जुगाड़ करके लगा दी है और अभी हम लोग जा रहे हैं हर की पैड़ी की तरफ। वहां पर कुछ ऐसी सुविधा नहीं है क्योंकि रश इतना ज्यादा, तो कुछ सुविधा क्या करेगी ऐसे में। तो अपना हेलमेट भी अपने सर पे, अपना बैग भी अपने पास है और चलते हैं हर की पैड़ी। दोस्तों, इस बार की कावड़ यात्रा 14 जुलाई सावन लगते ही स्टार्ट हो जाएगी और कावड़ियों का जमावड़ा हरिद्वार में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बार की कावड़ यात्रा की, तो देखिए आपके पास अपनी आईडी प्रूफ जरूर होनी चाहिए। यहां पर कावड़ यात्रा के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह का नहीं है, जैसे पहले चलती हुई आई है इस बार भी ऐसे ही चलेगी, लेकिन आप अपने पास अपनी एक आईडी प्रूफ जरूर रखें, वो कभी भी आपको कहीं भी मांगी जा सकती है, कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, हरिद्वार आने के लिए आपको कहीं से भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी डायरेक्ट हरिद्वार आ सकते हैं। आप बस से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, आप अपने टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से आराम से हरिद्वार आ सकते हैं। हरिद्वार की कनेक्टिविटी चारों तरफ से बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इस बार की जो ये कावड़ यात्रा है बहुत ही ज़्यादा ऊँचे लेवल पर होने वाली है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा बंद थी, तो इस बार की कावड़ यात्रा एक बहुत ही अच्छे लेवल पर होनी है और प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यूपी गवर्नमेंट में भी हर मतलब कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इस बार कावड़ यात्रा में एक बंदिश भी है कि आप 7 फुट से ज़्यादा ऊंची कावड़ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट का साफ साफ दिशा निर्देश है कि 7 फुट से ऊंची कावड़ को हरिद्वार में एंट्री ना दी जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपना रीज़न बताया है कि वो 7 फुट से ऊंची जो कावड़ होती है वह किसी भी इलेक्ट्रिक पोल या वायर से टकरा सकती है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी कावड़, जो भी आप बड़ी कावड़ बनाने वाले हैं या बनाने का ऑर्डर दे चुके हैं, उसको साफ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कारीगर को कि वो 7 फुट से ऊपर की कावड़ ना बनाए, क्योंकि उस कावड़ को हरिद्वार में एंट्री नहीं होगी। दोस्तों, इस बार डीजे भी पूरी तरीके से बजेंगे, कोई पाबंदी डीजे पर भी नहीं है। हाँ, ये जरूर बोला गया कि आप कोशिश करें कि रात को 10 बजे के बाद डीजे ना बजाएं, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको इस बार फॉलो करनी होगी कावड़ यात्रा 2022 के लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी कावड़ यात्रा 2022 की। तो आप कहीं से भी आएँ, आप डायरेक्ट हरिद्वार आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप ऑटो से, बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं, तो आप हरिद्वार आ जाएँ। दोस्तों, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो वहीं हर की पैड़ी के नज़दीक ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पर पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बस या ट्रेन से आते हैं तो आप बस से उतरें चाहे ट्रेन से उतरें, वॉकिंग डिस्टेंस से ही आप हर की पैड़ी पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि मैं ई रिक्शा या टेम्पो करके हर की पैड़ी की तरफ को जाऊँ, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उस दौरान इतनी ज़बरदस्त भीड़ हो जाती है, इतना ज़बरदस्त रश हो जाता है कि आप ऑटो या ई रिक्शा तो आप वहाँ की कल्पना ही भूल जाएं, उससे जल्दी तो आप पैदल पहुँच जाएंगे। तो आप बस से उतरे चाहे ट्रेन से उतरे और वॉकिंग करते 5 मिनट में ही आप हर की पैड़ी पर पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, हर की पैड़ी पर आप पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आप ये देखिए, अगर आप पुराने कावड़ वाले हैं, यानी पुराने टाइम से कावड़ लाते हुए चले आ रहे हैं, तो आप अपनी कावड़ को ट्रेन पर की खिड़की से बांध के भी ला सकते हैं। जैसे कल्चर मैंने देखा है कि ट्रेन की पूरी बोगीज पे दोनों तरफ कावड़ बंधी रहती हैं, कानून की नज़र में ये नहीं है, लेकिन ऐसे
आती हैं कावड़े, या आप अगर बस से भी आते हैं तो आप बस की छत पे अपनी पुरानी कावड़ को लेकर के हरिद्वार पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार कावड़ लेने जा रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपको कावड़ भी वहीं हरिद्वार में मिल जाएगी। वहीं पर कावड़ बन पूरी की पूरी ज़बरदस्त मार्केट होती है, आपको लेके कावड़ 200 रुपये से लेके 300, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2000 तक की सभी तरह की आपको वहाँ पर कावड़ मिल जाएगी। वहाँ पर एक पूरा का पूरा एरिया कावड़ वालों का है, जो मार्केट कावड़ मार्केट है वो इस तरह का वहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप कावड़ को हरिद्वार से खरीदते हैं तो एक बात बहुत ज़रूरी है जिसको गांठ बांध लीजिए कि वो आपको याद रखनी रखनी है। आप जब वहाँ से कावड़ खरीदते हैं तो अपनी कावड़ को जो एक सुतली होती है या नाड़े टाइप जो रस्सी होती है, वाइट रस्सी होती है, उससे आप अपनी कावड़ के सारे जॉइंटों को दोबारा से कस कस करके बांध लीजिए। क्योंकि जो रेडीमेड कावड़ आती है उसके जो जॉइंट बंधे होते हैं वो जैसे ही आप जल लेकर थोड़ा सा ही चलते हैं तो वो लूज़ पड़ जाते हैं और आप एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं रस्ते में। तो उससे अच्छा है, उस असुविधा से बचने के लिए आप अपनी कावड़ के सारे को हर की पैड़ी पर ले जा करके अच्छे से बांध लें। आप वहां पर जाने के बाद गंगा जी में डुबकी लगाएं, अपनी कावड़ को भी उसमें डुबकी लगाएं और जल भरें। गंगा स्नान करने के बाद आप वहां पर जल भर लें। जल भरने के बाद आप अपनी कावड़ की पूजा स्टार्ट कराएं। पूजा आप खुद भी कर सकते हैं या वहां पर जो पंडित हैं उनके थ्रू आप करवा सकते हैं। तो आपने गंगा जी में डुबकी लगा ली, अपना जल भर लिया, अपनी कावड़ को भी डुबकी लगा ली और अब आपने अपनी कावड़ की पूजा भी करवा ली। पूजा करवाने के बाद आप भोले बाबा का जयकारा लगाते हुए जय भोले बाबा, बम बम भोले, तेरी सदा ही जाओ, जय भोले की लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए आप अपनी कावड़ को उठा सकते हैं। दोस्तों, कावड़ कई प्रकार की होती है। देखिए, कावड़ के कम से कम चार प्रकार की कावड़ तो होती है। एक होती है नॉर्मल कावड़, जिसको आप जैसे कंधे पे लेकर चलते हैं और आप कहीं पर भी रख देते हैं, जैसे साफ़ सुथरी जगह पर। मेरा कहीं पे रखने से मतलब है कि आप जैसे थक गए सड़क किनारे, आप साफ़ सुथरी जगह देखे रख करके आप विश्राम कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप फ्रेश हो सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बैठी कावड़, इसको बोलते हैं। एक होती है झूला कावड़। झूला कावड़ की कंडीशन ये होती है कि आप उसको ज़मीन पर कहीं भी टच नहीं करेंगे, आप उसको पेड़ पर झुलाएँ, आप उसको जो रोड किनारे जो आपके भंडारे लगे होते हैं, सेवा शिविर लगे होते हैं, उनमें बल्लिया के स्टैंड देखे होंगे आपने जगह जगह, उन पे झूला झूली हुई कावड़े होती हैं, उसको बोलते हैं झूला झूली, क्योंकि वो ज़मीन से टच नहीं होती है। एक होती खड़ी कावड़, और खड़ी कावड़ सबसे टफ कावड़ कहलाती है। ये लोग बाग अपनी मन्नत के हिसाब से करते हैं कि बाबा मैं बैठी कावड़ लाऊंगा, बाबा मैं झूली कावड़ लाऊंगा, बाबा मैं खड़ी कावड़ लाऊंगा। तो खड़ी कावड़ सबसे टफ कावड़ होती है, क्योंकि वो एक अकेला बंदा नहीं ला सकता है। उसके लिए आपको अपना फ्रेंड, अपने भाई, बेटा, माँ, बहन या किसी रिलेटिव या यार दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप जब हरिद्वार से एक बार कंधे पर कावड़ रख के लेकर चल पड़ते हैं तो आप उसको फिर ज़मीन नहीं दिखा सकते, यानी कि ज़मीन पर टच नहीं कर सकते, आप उसको झुला भी नहीं झुला सकते, यानी कि यह कि आप उसको कंधे से नहीं हटा सकते। तो उसके लिए आपको अपने किसी न किसी दूसरे साथी की ज़रूरत पड़ती है। आपको खाना खाने जाना, आपको फ्रेश होने जाना या आपको आराम करना, सोना है, तो उसके लिए आप किसी न किसी की मदद लेंगे। पहले क्या होता था, मैंने बहुत बार देखा कि पहले ये जो वहाँ पे भी शिविर लगे होते होते, वहाँ पर हम जैसे हम जब छोटे थे हमने खुद करी है कि हम वहाँ भोलों से कहते थे, लाओ भोले आप मुझे अपनी कावड़ दे दो, आराम कर लो, मैं आपकी कावड़ को कंधे पर रखता हूँ। लेकिन आजकल ऐसा ट्रेंड ख़त्म हो गया, आजकल सब जगह पैसा पूजने लगा है, तो बहुत कम श्रद्धा रह गई है लोगों में इस तरह की, जो मदद करने वाले हैं आज भी मदद करने वाले, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि नहीं है, लेकिन अब पैसे में आपको मिलता है कि इतने रुपए घंटा, इतने रुपए घंटा, तो ऐसे पैसा खर्च करना पड़ता है। और दोस्तों, एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का बजट का कोई लिमिट नहीं है। आजकल डाक कावड़ के बजट की कोई लिमिट नहीं है कि कितना इस पर खर्च किया जाता है, क्योंकि डाक कावड़ में आपका 4 का ग्रुप भी हो सकता है, आपका 10 का ग्रुप भी हो सकता है, आपका 15 का भी ग्रुप हो सकता है, और आपका 50 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने डाक कावड़ में एक बार जल हर की पैड़ी से उठा लिया तो उसको लेके भागना होता है। डाक कावड़ में टाइम रखा जाता है कि भाई अगर मैं हरिद्वार से मेरठ के लिए कहूँ कि मैं 10 घंटे में मेरठ लगा दूंगा, मैं गुड़गांव जाऊं कि भाई मैं 15 घंटे में गुड़गांव लगा दूंगा, मैं बुलंदशहर जाऊं, मैं राजस्थान जाऊं, मैं हरियाणा जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं, तो वो लोग एक टाइम पीरियड रख के चलते हैं कि इतने घंटे में हम हरिद्वार से अपने गंतव्य स्थल, अपने भोले बाबा के शिवलिंग तक इस जल को इतने घंटे पहुंचा देंगे। तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को जल लेके भागते हैं और एक दूसरे को पकड़ाते हुए भागते हैं। पहले एक भागेगा, फिर दूसरा भागेगा, फिर तीसरा भागेगा, वो आगे खड़े मिलते हैं। उनके साथ मोटरसाइकिल जो होती है, उनकी बाइक्स होती हैं, वो कई कई बाइक रखते हैं, वो आगे बंदे को ड्रॉप करते चले जाते हैं और पीछे से बंदे को उठाते हुए लाते रहते हैं, पीछे से उठा के लाए और आगे छोड़ दिया, तो एक बंदे का नंबर काफ़ी देर में आता है।
तो इसको ये होती है डाक कावड़। दोस्तों कावड़ यात्रा में अब बड़े बड़े डीजे भी बजने लगे हैं, तो एक से एक बड़ा बड़े बड़े से बड़ा डीजे, बड़े से बड़े नाम का डीजे भी अब कावड़ यात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। उसको आप ये लोग कैंटर पे लगा करके रखते हैं, पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दी जाती है आजकल इतने बड़े बड़े डीजे लगने के, कि जब वो डीजे बजता तो अगर आपको नाचना नहीं आता तो भी आपका अपने आप ही पैर उठना शुरू हो जाता है। इतने ज़बरदस्त डीजे भी इस कावड़ यात्रा में लगने लगे हैं और इस साल भी डीजे कावड़ यात्रा में जाएंगे। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा पर होने वाले खर्च की। दोस्तों अगर आप एक बार हरिद्वार पहुंच जाते हैं, देखिए आपका बस का, ट्रेन का या आपके अपने पर्सनल वाहन के पेट्रोल डीजल का खर्च को छोड़ दिया जाए तो हरिद्वार में आपका वापसी का कोई खर्चा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक बार जल उठा करके कंधे पर रख के कावड़ आप चल पड़े हैं तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपका खाने पर तो कोई खर्चा होगा ही नहीं, रहने पर सोने पर कहीं भी कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि इतने सारे कैंप होते हैं जो भोले बाबा के जो ये भक्त हैं जो पैदल चल के आ रहे हैं, इन लोगों की सेवा के लिए हमेशा अपने पलके बिछाए रहते हैं। वो उन लोगों को खाने की पूरी सुविधा देते हैं, उन लोगों को सोने की पूरी सुविधा देते हैं, उनको नहाने धोने की यानी पूरी सुविधाएं आपको रास्ते भर में मिलेगी। आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर कैंप मिलेगा जहां पर आप आराम से विश्राम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ खर्चा है तो क्या है, आपका जो ये नारंगी रंग की ड्रेस होती गैरवे रंग की, आपका एक अंगोछा बनियान और आपका लोअर, ये आपका खर्चा है, या आपका वहां तक हरिद्वार तक पहुंचने का खर्चा है। आप चाहे बस से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे अपने व्हीकल से जाएं, तो ये तो आपका खर्चा है, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होता। आपका अपनी श्रद्धा है कि आप भंडारे में कुछ डालना चाहें उनके दान पेटी में, वो डाल सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि नहीं डालना ही डालना है। तो दोस्तों ये रही हरिद्वार यात्रा को लेकर होने वाले खर्चे की, तो खर्चे की आप चिंता ना करें, आपके जेब में जो भी है आप पहुंच जाएं, बाबा का नाम लीजिए और जल भरें और अपना पैदल व्हीकल पे जैसी भी आपकी इच्छा हो आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। बस भोले बाबा का नाम लेते रहिए, जय भोले भंडारी, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, और अपनी यात्रा को पूरी करिए और शिवरात्रि पर भोले का नाम लेते हुए जल चढ़ाइए। दोस्तों इस शिवरात्रि की अगर हम बात करें तो जल क्यों चढ़ाया जाता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सावन के महीने में। दोस्तों जब राक्षसों से युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें जहर भी निकला था, विष निकला था और अमृत भी निकला था, तो विष भोलेनाथ ने पी लिया था, तो उनका गला नीला हो गया था और उसमें से एक ज्वाला फूट पड़ी थी, एक अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी थी। तो सभी देवताओं ने गंगा जी का जल ला करके उस भोलेनाथ के कंठ में डाला था कि यह ज्वाला, जो यह अग्नि ज्वाला है, यह शांत हो जाए। तो दोस्तों तब से ही यह परिपाटी, यानी यह श्रद्धा चली आ रही है, यह हमारा जो ये हमारी भावनाएं हैं ये तब से ही चली आ रही है, पुराने टाइम से ही चली आ रही है, कि भोले बाबा को शांत करने के लिए उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है जिससे उनकी जो ज्वाला है वो शांत हो जाए, जो उनका नीला कंठ हुआ था जहर के कारण वो शांत हो जाए। आइए दोस्तों अब कुछ बात कर लेते हैं कावड़ के नियम की, कि जब आप कावड़ लेने घर से निकलते हैं तो क्या क्या नियम लागू हो जाते हैं और किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हमारे साथ साथ हमारे घर वालों को भी किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों जब हम अपने घर से निकलते हैं तो घर से निकलने के बाद ही हमारे घर पे हमारे घर वालों को सब्जी में छोंक नहीं लगाना चाहिए, साबुन लगा करके कपड़े नहीं धोने चाहिए, यानी कि उन्हें को पीट पीट करके कपड़े नहीं धोने चाहिए। कहते हैं कि अगर आप इस तरह से कपड़े धोते हैं तो जो कावड़ लेने आपका घर वाले से गया हुआ है, जो भी बंदा आपका घर से गया हुआ है, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। देखिए इसको आप अंधविश्वास माने या कुछ भी माने, लेकिन ये धारणा शुरू से चली आ रही है, तो हमें इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। ना तो घर वालों को, ना जो कावड़ लेने गया उसको किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कोई भी मांस मदिरा अंडा मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक बार अगर आपने कावड़ कंधे पर रख ली तो उसके भी नियम हैं। सबसे पहले तो आप जब भी आप अपनी कावड़ को उठाएंगे, उठाने से पहले उस कावड़ की पूजा की जाती है, तो आप उस पर धूप बत्ती जलाइए, तब उसके बाद आप उसकी पूजा करके भोलेनाथ का नाम लेकर के तब उसको उठाइए। और दोस्तों अगर आपने एक बार अपने कंधे पे कावड़ रख ली तो आप उसको कंधा बदलने का भी नियम है, आप उसको सर के ऊपर से कावड़ को नहीं ले जा सकते हैं, आप पीछे की तरफ से घुमाते हुए लाएं कावड़ को और दूसरे कंधे पर टेक लें। आप ऐसा नहीं कि आपने उठाई एक तरफ से और सर के ऊपर से ले आकर दूसरे कंधे पर टेक ली, तो इस तरह से नहीं कावड़ रखी जाती है। और दोस्तों आपको रास्ते में कहीं भी किसी भी चारपाई पर नहीं लेटना है, किसी कुर्सी पर नहीं बैठना है, आप बैठेंगे तो जमीन पे या फिर तखत पे।
तो ये इस तरह के कुछ नियम हैं। दोस्तों शिवरात्रि वाले दिन आपको मेन मंदिर, जहां भी आपकी श्रद्धा, जहां आप जल चढ़ाना चाहते हैं वहां पर आप जल चढ़ाएं, तो बोलो जय बाबा की। दोस्तों आज मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई अपडेट, एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लेस पर। तब तक के लिए जय बाबा की।